इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। अब की बार बंगाल की लड़ाई का सेंटर स्टेज होगा नंदीग्राम। बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम से उतारकर अपना इरादा जाहिर कर दिया कि जंग जबरदस्त होगी। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच वहां टक्कर होगी। इससे पहले आज नंदीग्राम से लेकर कोलकाता तक हलचल बहुत तेज रही। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में कल होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की रैली के लिए आज कोलकाता में बीजेपी नेताओं ने डोर टू डोर कैंपेन किया। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने पैदल मार्च निकाला। जय श्री राम के नारों की गूंज से नाराज रहने वाली ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम युद्ध में शुभेंदु अधिकारी का अब ये शिव संग्राम है। नंदीग्राम के महाभारत का ये शुभारंभ है। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम की सड़क पर पैदल मार्च कर रहे हैं। फिजा में जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। रक्त रंजित नंदीग्राम के संघर्ष ने ममता बनर्जी को जन नेता की पहचान दी और अब इसी जमीन पर कभी उनके सिपहसालार रहे शुभेंदु अधिकारी दे रहे हैं खुल्लम खुल्ला चैलेंज। बैटल ऑफ बंगाल में सबसे दिलचस्प है नंदीग्राम का संग्राम। इस वक्त यहां पर शुभेंदु अधिकारी हैं जो मार्च निकाल रहे हैं। ये पैदल मार्च है जो नंदीग्राम में निकल रहा है और शुभेंदु अधिकारी के हाथ में पोस्टर है, उसमें लिखा हुआ है ब्रिगेड चलो। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिगेड में रैली है और इस रैली को भव्य बनाने की तैयारी पूरी तरह से बीजेपी ने की है और इसीलिए आज शुभेंदु अधिकारी यहां पर आए हैं जो लोगों से इस रैली के लिए समर्थन मांग रहे हैं। यानी यहाँ के लोग वहाँ भारी संख्या में पहुंचे, इसकी तैयारी की गई है और इसीलिए ये मार्च आज निकाला जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी इस मार्च में शामिल हैं। वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग प्रधानमंत्री की जो रैली है 7 तारीख को यानी कल ब्रिगेड परेड मैदान में कोलकाता में, उसमें भारी संख्या में शामिल हो। भूमि अधिग्रहण के खिलाफ 2007 में जब हर तरफ सुनाई देने वाले नारे तोमार नाम अमार नाम नंदीग्राम नंदीग्राम का नारा धुंधला पड़ गया है, उसकी जगह अब नंदीग्राम में जय श्री राम का नारा गूंज रहा है। नंदीग्राम की राह पकड़ ममता जिस सत्ता के शिखर पर पहुंची थी उसकी स्क्रिप्ट शुभेंदु अधिकारी ने ही तैयार की थी और अब नंदीग्राम के महाभारत में दोनों आमने सामने है। टीएमसी का उदय हुआ था, लेफ्ट का सूर्य अस्त हुआ था, उसी भूमि पे एक बार शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी जो एक समय में साथ थे, सिपहसालार थे ममता बनर्जी के, वो दोनों आमने सामने होंगे। लड़ाई होगी दोनों में कि कौन नंदीग्राम से ज्यादा जुड़ा हुआ है, कौन नंदीग्राम के ज्यादा करीब है और ये कोशिश है यही दर्शाने की कि किसका नंदीग्राम, नंदीग्राम का नायक कौन। ये 2 मई को साफ होगा लेकिन उसकी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। एक तरफ ममता बनर्जी और दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी। ममता तब पथ प्रदर्शक रही तो शुभेंदु अधिकारी जमीनी स्तर पर जन रैलियों का रेला लगाते थे, लेकिन सियासत में टिकने का उसूल नहीं होता। आज नंदीग्राम कभी साथ लड़े नायकों के लिए रण क्षेत्र बन गया है जहाँ की जीत बंगाल का चुनावी भाग्य तय करेगी। 3 गुना वोट से जिताएंगे, ऐसा कैसे होगा सर? 3 गुना वोट से ममता बनर्जी हारेगी? 3 गुना वोट से ममता बनर्जी हारेगी? बहुत 0.5 लाख से ज्यादा वोट है, लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं 17 जीपी है, इसमें ममता जी को 3-4 जीपी में कुछ वोट मिलेगा, बाकी वोट नहीं मिलेगा। ममता बनर्जी के भवानीपुर से हारने के डर से यहाँ पे आएंगे? वो भवानीपुर से भागा, भवानीपुर में कहाँ कुछ काम नहीं किया, उसका साथ पब्लिक का रिलेशन भी नहीं है, पब्लिक तंग में है, सब रोड भवानीपुर में बंद करके उन्होंने उनका भतीजा ने सिक्योरिटी का नाम पर इतना तंग किया, इतना करप्शन उधर भवानीपुर में का लोग देखा, जितना गरीब का बाड़ी है जमीन है सब लेकर उनको भाई भतीजा ने रियल स्टेट बनाया, हाई राइज बनाया, इसलिए पूरा के पूरा लोग उधर खपा है। मित्रों इंस्टीट्यूशन जिनमें वो वोट डालता है उसमें भी पिछले टाइम बीजेपी का लीड था। ये ममता बनर्जी ने भवानीपुर से भागा, नंदीग्राम में आया, इधर वो आउटसाइडर है, इधर सॉइल ऑफ मिदनापुर जीतेंगे, बाहर का आदमी नहीं जीतेगा।
ममता बनर्जी के हर सियासी समीकरण का शुभेंदु अधिकारी ने तोड़ तैयार कर लिया है। जिस मुस्लिम वोट के भरोसे ममता ने भवानीपुर को छोड़ नंदीग्राम को चुना है, शुभेंदु अधिकारी ममता के इस मुस्लिम कार्ड को ही मात देने की रणनीति तैयार कर चुके हैं। पाँच साल अंतर वोट जब चुनाव होता है आता है, पाँच साल नंदीग्राम का नाम उसका दिमाग से निकल जाता है, नंदीग्राम लोग जानता है, फिरका परस्ती नहीं चलेगा। ममता बनर्जी भी चुनावी समर में नंदीग्राम में उतरने के ऐलान के बाद अब फील्डिंग चाक चौबंद कर रही हैं। 9 मार्च को ममता बनर्जी नंदीग्राम जाएंगी, 10 मार्च को ममता नंदीग्राम से नॉमिनेशन का पर्चा दाखिल करेंगी। उसके पहले उस बाड़ी यानी घर की साज सज्जा की जा रही है जहां ममता बनर्जी ठहरेंगी। इस वक्त हम नंदीग्राम के बटतल्ला इलाके में हैं, जहां पीछे जो आप घर देख रहे हैं ये एसके फारूक अहमद का घर है, जिस घर का एक हिस्सा किराए पर लिया गया है। इस घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है, यानी इस घर को मुख्यमंत्री के रहने के हिसाब से ठीक किया जा रहा है। 9 तारीख को ममता बनर्जी नंदीग्राम आएंगी, 10 तारीख को वो हल्दिया में नॉमिनेशन फाइल करेंगी। और ममता बनर्जी जब भी नंदीग्राम आएंगी, यहां पर उन्हें ठहरना होगा तो उसकी व्यवस्था इसी घर में होगी। नंदीग्राम का सेहरा ममता के माथे बंधेगा या बीजेपी के, ये तो 2 मई को नतीजे बताएंगे। लेकिन उसके पहले नंदीग्राम से कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड तक जबरदस्त हलचल है। तरफ है ममता बनर्जी, दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी, और ये शक्ति प्रदर्शन है। हालांकि मार्च है कल के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ब्रिगेड मैदान में जुटे। यहाँ तमाम लोग हैं जो बीजेपी के समर्थक हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको ऐसा क्यों लगता है कि टीएमसी के गढ़ में शुभेंदु अधिकारी भारी जीत हासिल कर पाएंगे। ये बताइए, क्या शुभेंदु अधिकारी जीतेंगे? हाँ, जीतेंगे। पहले तो टीएमसी में थे, बीजेपी में आगे लगे, फिर भी जीतेंगे? पहले दोबारा बोलिए। पहले टीएमसी में थे, बीजेपी में आ गए, फिर भी जीतेंगे? हाँ, फिर भी जीतेंगे। दीदी जीतेंगे या दादा जीतेंगे? बीजेपी जीतेंगे। ओके, यहाँ के लोग वोट करेंगे क्योंकि टीएमसी को करते थे यहाँ के लोग? बीजेपी के वोट करेंगे। बंगाल के राजनीतिक रण में नंदीग्राम अगर सेंटर पॉइंट है तो ब्रिगेड परेड ग्राउंड इस सेंटर पॉइंट का एक्सेस है। दीदी बनाम दादा की जंग का नंदीग्राम गवाह बनेगा। तो ब्रिगेड परेड ग्राउंड के बारे में सियासी पंडित कहते हैं कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड जिसका, बंगाल भी उसका। यानी नंदीग्राम टू ब्रिगेड मैदान की इसी दूरी के बीच ही बंगाल की जीत की पूरी पटकथा लिखी है। नंदीग्राम मोर्चे पर शुभेंदु अधिकारी तैनात हैं, तो नंदीग्राम से करीब 125 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रैलियों के महायोद्धा पीएम मोदी के इस्तकबाल की तैयारी फाइनल फेज में है। इसी मैदान से पीएम मोदी बंगाल चुनाव का शंखनाद करेंगे। ये मैदान बेहद खास है क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहीं से रैली की थी और उस वक्त यहां पर पैर रखने की जगह नहीं थी, इतनी ज्यादा भीड़ थी। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से रैली कर रहे हैं। एक विशाल पंडाल बनाया गया है, आप देखिए यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। 15 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटाने का दावा किया गया है। इससे पहले इसी मैदान से कम्युनिस्ट कांग्रेस और ISF की पार्टी ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया था। ये मैदान बेहद खास है, इसके राजनीतिक मायने खास है। सबसे बड़ी वजह यह भी बताई जाती है कि इसी मैदान से 1980 से 90 के दशक में, जिस वक्त ममता बनर्जी का करियर राजनीति के पीक पर पहुंच रहा था, उस वक्त यहीं से ममता बनर्जी ने आह्वान किया था कि पश्चिम बंगाल में बदला नहीं, बदलाव चाहिए। और इस बदलाव के तहत कम्युनिस्ट पार्टी की पूरी सत्ता के हिला के रख दिया था ममता बनर्जी ने। और एक बार फिर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मैदान से रैली करने वाले हैं, तो लोगों का मानना है कि पश्चिम बंगाल में एक बदलाव की बयार आ सकती है। इस रैली में 10 लाख लोगों को जुटाने की तैयारी है। रैली बिना विघ्न संपन्न हो, पीएम मोदी की हुंकार लोगों तक पहुंचे, इसके लिए ब्रिगेड मैदान में खास इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री के पोडियम के सामने 4 स्तरीय बैरिकेड्स लगाए गए हैं। मुख्य मंच के साथ 2 और छोटे मंच होंगे, एक स्थानीय बीजेपी नेताओं के लिए होगा, दूसरा मंच मीडिया कर्मियों के लिए होगा। आसपास 1500 CCTV कैमरे लगाए गए, कई इलाकों में मालवाहक गाड़ियों की आवाजाही पर प्रतिबंध होगा। 7 मार्च को रात 8 बजे तक बाहरी गाड़ियों की एंट्री पर बैन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए लाखों लोग आएंगे और उसके लिए तैयारियां भी जबरदस्त की गई हैं। ये तमाम LED लगाई गई हैं। यहाँ पर देखिए जो लोग यहाँ पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुनने के लिए, ये LED लगाई गई है ताकि अच्छे से लोग भाषण सुन सके। ये स्पीकर्स लगाए गए हैं और ये CCTV कैमरा लगाया गया है ताकि चप्पे चप्पे पर निगरानी हो सके। ये पूरा एक मैदान आप देखिए यहाँ पर। पिछली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे तो लगभग 15 लाख से भी ज्यादा की भीड़ यहाँ पर जुटी थी, और एक बार फिर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आने वाले हैं तो तैयारियां भी जबरदस्त की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। आसपास की जितनी भी बड़ी बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं यहाँ पर SPG ने सुरक्षा पहले से ही तैनात कर दी गई है, और जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व तमाम BJP के नेता यहाँ पर होंगे उस वक्त इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया जाए। PM मोदी की रैली देखने वाली होगी, क्योंकि बंगाल चुनाव के लिए सियासी जमीन बहुत पहले से ही तैयार की जा चुकी है, अब उसमें उबाल का वक्त है। बंगाल BJP प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय दावा कर रहे हैं कि 2019 की रैली से भी दोगुना लोग अब की बार PM मोदी को सुनने पहुंचेंगे। जनता में जो जोश है, जो उत्साह है, जो मोदी जी के प्रति आस्था है, उसे देखते हुए हमें लग रहा है कि पिछली बार से भी डबल रैली होगी, और जिलों के अंदर बस नहीं है लोगों को लाने के लिए, तो संसाधन भी कम पड़ रहे हैं कार्यकर्ताओं को। तो मुझे लगता है कि जनता में बहुत प्यार है मोदी जी के प्रति, बहुत आस्था है, बहुत विश्वास है, इसलिए बड़ी संख्या में लोग आएंगे, पिछली बार से डबल लोग आएंगे। 2019 में कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ही मोदी की महारैली हुई थी। इस रैली में ममता की महाजोट की रैली से भी ज्यादा भीड़ जुटी थी। 2019 में BJP ने लोकसभा की 18 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अभी से मोदी को सुनने के लिए बेताब लोग पहुंचने लगे हैं। हावड़ा के असीत सिन्हा मोदीमय हो चुके हैं। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में शामिल होने के लिए पश्चिम बंगाल के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ असित सिन्हा मौजूद हैं जो कि हावड़ा से आए हैं, और आप देखिए पूरा ऊपर से नीचे तक के मोदी जी के नाम के पोस्टर लगाए, वेलकम मोदी जी, हिस्टोरिक ब्रिगेड, वी नीड BD सावरकर, ग्लोरियस इंडिया, और फ्रेटर्निटी, ह्यूमैनिटी, पीस फॉर एवर, वोट फॉर BJP, वोट फॉर दिस सिंबल। इनका नाम है असित सिन्हा, हावड़ा से आए हैं और ये BJP प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े फैन हैं। मोदी जी को हम फैन है, क्यों मोदी जी हमको, हम मोदी जी का कुछ पता चिट्ठी लिखा था। कितने साल से हैं हावड़ा में? हावड़ा में हम लोग 500 साल से, हावड़ा का हमारा जो हेरिटेज है 500 साल। आपने तो कई चुनाव देख लिए होंगे। बहुत चुनाव दिखा है। तो क्या लग रहा है मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं, क्या पश्चिम बंगाल में कुछ बदलाव होगा? आ रहा है मोदी जी, जरूर आ रहा है, BJP आ रहा है यहाँ पे। दीदी मणि हम लोग को, बंगाल को अपमान किया है, दीदी मणि हम लोग को एकदम गड्ढा में गिरा दिया है, वहाँ से मोदी जी हम लोग को नई दिशा दिखाएंगे, वहाँ से पश्चिम बंगाल को मोदी जी नई दिशा दिखाएंगे। ब्रिगेड ग्राउंड की रैली के लिए नेता, अभिनेता, सितारे भी जमीन पर उतर आए हैं। श्री प्रधान शिवक के स्वागत জানানোর জন্য আসুন আমরা সবাই একত্রিত হই আগামী 7ই মার্চ দুপুর 12টার সময় ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে। সোনার বাংলা ভিত্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে আসছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী। कल रैली है, उसके चंद घंटे पहले ही ममता के गढ़ में BJP डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। कमान खुद बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने संभाली है। घरों दुकानों पर पर्चे बांटे जा रहे हैं। ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा करने वाले हैं, और उससे पहले कैलाश विजयवर्गीय ममता दीदी के गढ़ में पहुंचे हैं, कालीघाट। कालीघाट वही जगह है यहां पर कुछ ही दूरी पर ममता बनर्जी का घर है, और यहां पर डोर टू डोर कैंपेन कैलाश विजयवर्गीय कर रहे हैं। तमाम लोगों की दुकानों में जा रहे हैं जहाँ पर पैम्पलेट बांटे जा रहे हैं, और पैम्पलेट में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिगेड में जो सभा हो रही है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे। और यही वजह है कि आप देखिए कैलाश विजयवर्गीय और जो तमाम लोग हैं BJP के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं, और दुकानों में अलग अलग जाकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन में लोग पहुँचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सभा ब्रिगेड में हो रही है वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को सुने। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड का इतिहास बताता है कि बैटल ऑफ पलासी से लेकर अब तक बंगाल में जब जब बदलाव की आंधी आई है उसकी नींव ब्रिगेड मैदान में ही रखी गई है। लिहाजा जब कोलकाता से लेकर नंदीग्राम तक ममता दीदी की टीम BJP की ताकत का अनुमान लगा रही होगी, ठीक उसी वक्त ब्रिगेड मैदान में PM मोदी की हुंकार गूंज रही होगी। सर
सबसे बड़े सियासी संग्राम के बाद अब बात सबसे बड़ी मिस्ट्री की। मुंबई में अंबानी हाउस जिलेटिन केस के एकमात्र गवाह मनसुख हिरेन की बॉडी मिलने के 24 घंटे बाद भी मुंबई पुलिस के हाथ खाली है। मनसुख हिरेन की मौत कब हुई, कहां हुई, पुलिस को कुछ नहीं मालूम। इस मिस्ट्री के कुछ गवाह और कुछ सबूत हमारे कैमरे पर जरूर मौजूद हैं। पुलिस क्या छिपा रही है और ये केस अब NIA को क्यों सौंपा जा सकता है, ग्राउंड रिपोर्ट के साथ देखिए। सुसाइड या मर्डर, मनसुख हिरेन की मौत एक ऐसी मिस्ट्री बन गई है जिस पर मुंबई पुलिस के कमिश्नर भी मुंह नहीं खोलते। कल मनसुख हिरेन की मौत हुई सर, जिनकी गाड़ी मिली थी स्कॉर्पियो। इंडिया टीवी के सवाल पर परमवीर सिंह थैंक यू कहकर निकल लेते हैं, मगर सवालों को टालने से सवाल खत्म नहीं हुआ करते। इस केस के गवाह और सबूत बहुत बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। क्या मनसुख हिरेन की हत्या की गई? क्या सबूत मिटाने के लिए कत्ल किया गया? क्या मर्डर को सुसाइड बताने की साजिश हो रही है? पुलिस वालों ने जो बताया कि उन्होंने आत्महत्या की, वो कभी सोच भी नहीं सकते ऐसा। ये जो उन्होंने उनके बारे में जो ये अफवाह उन्होंने फैलाई है, बहुत गलत फैलाई है, तो इसकी इंक्वायरी तय तक होनी चाहिए। ये मुंबई पुलिस ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग में मनसुख हिरेन की मौत को सुसाइड बताती है, लेकिन मनसुख की मौत मिस्ट्री मुंबई पुलिस के गले की फांस बनती जा रही है। क्राइम ब्रांच के अपने अफसर सचिन वाजे के रोल पर 100 सवाल खड़े हो गए हैं। जिस केस से अंबानी फैमिली की सिक्योरिटी जुड़ी हुई है, उस केस की जांच में मुंबई पुलिस शक के घेरे में है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसका खुलासा होने वाला है। मनसुख की मिस्ट्री की जांच मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की जगह अब महाराष्ट्र ATS कर रही है। एक इन्वेस्टिगेशन हमने भी किया। सबसे पहले आपको दो आई विटनेस का ऑन कैमरा स्टेटमेंट दिखाते हैं, फिर आगे की बात बताते हैं। रुमाल मिले थे, 7-8 रुमाल मिले थे। मुझे रुमाल निकाला और फिर बॉडी को धोया, उसमें सब लोग ने हाथ से धोया उसको, सब अच्छा बॉडी किया और उस बॉडी को किधर भी थोड़ा थोड़ा इधर क्रॉस था, मतलब बॉडी में जो इधर मुँह को इधर थोड़ा सा छिलका हुआ निकला था। जिस आई विटनेस ने मुम्ब्रा क्रीक के कीचड़ से मनसुख की बॉडी निकाली, उसने कहा मनसुख के मुंह में 5-6 रुमाल ठूसे हुए मिले थे और चेहरे पर चोट के हल्के निशान थे। दूसरे आई विटनेस ने इससे भी आगे की बात बताई। जब उसको ऊपर निकालने के बाद में अपने ने देखा ना, तो 6 रुमाल ऐसे घड़ी बना के मुंह पर रखे हुए थे। एक मास्क पहन रखा था और मास्क पहना हुआ था, वो मास्क पूरा एक एक करके बाहर निकाला। तो जो अब्दुल्ला भाई है, जो बॉडी निकालते हैं ना ऐसा, जो ये काम करते हैं, उनके एम्बुलेंस भी है, वो आने के बाद एक एक चीज करके उन्होंने निकाल के बताया। पूरा वजन चेक किया, पूरी उसकी तलाशी ली गई कि क्या पाकिट है, क्या पैसा है, कि चैन है, कि क्या है। कुछ नहीं था उसके पास में, सिर्फ 6 रुमाल। हाँ, जरा याद करके देखिए, 6 रुमाल अपने मुंह में ठूस कर कोई सुसाइड कर ले, ऐसा आपने पहले कभी सुना है? इसका एक ही जवाब है, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मनसुख हिरेन का केस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, जरा इसे समझ लेते हैं। मनसुख हिरेन की गाड़ी अंबानी हाउस एंटेलिया के पास मिली। उनकी स्कॉर्पियो को चुरा कर उसमें जिलेटिन की 20 छड़े रख दी गई थी और उसे अंबानी हाउस के पास खड़ा कर दिया गया था। बम के साथ उसमें अंबानी फैमिली के लिए धमकी वाला एक लेटर भी मिला था। अंबानी फैमिली को धमकी के केस में मनसुख हिरेन एकमात्र गवाह थे। इंडिया टीवी के कैमरे पर मनसुख का वो वीडियो भी है जब वो मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिलने आए थे। 17 तारीख को शाम को मैंने गाड़ी वहाँ पे लगाई है, उसके बाद चोरी हुई है। अभी मुझे 18 तारीख को पता चला, खराब नहीं हुई थी, गाड़ी चालू थी, स्टीयरिंग उसका जाम हुआ था। मुझे बॉम्बे जल्दी आना था और लेट हो गया था, 7 बज गए थे, तो अर्जेंट आना था मेरे को, इसके लिए मैं वहीं पार करके विक्टोली पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे कम्प्लेंट, पहले सब ढूंढा 3 घंटे तक, उसके बाद में वहाँ पे कम्प्लेंट। उसी केस में मनसुख हिरेन बार बार क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो रहे थे, लेकिन गुरुवार रात वो घर से निकले तो वापस नहीं लौटे। मनसुख का घर ठाणे के नौपाड़ा में है।
गुरुवार रात वो घोड़बंदर जाने के लिए निकले जो उनके घर से करीब 20 किलोमीटर दूर है। मनसुख की बॉडी मुम्ब्रा क्रीक में मिली जो नौपाड़ा से करीब 10 किलोमीटर दूर और घोड़बंदर से उल्टी दिशा में है। मनसुख के मोबाइल का लास्ट लोकेशन विरार में कैच हुआ जो नौपाड़ा से 40 किलोमीटर दूर है। क्या कह के गए थे? यही कहा गया कि कांदीवली से क्राइम ब्रांच से मुझे कॉल आया है, हमेशा की तरह आता है कॉल, कोई तावड़ी करके है, उनका नाम बताया और उन्होंने वो घोड़बंदर पे मिलने को कहा है। गुरुवार रात 8:30 बजे के करीब मनसुख हिरेन अपनी पत्नी विमला हिरेन को ये बताकर निकले थे कि क्राइम ब्रांच के किसी तावड़े नाम के ऑफिसर ने उनको मिलने के लिए घोड़बंदर बुलाया है। पुलिस कहती है कि कांदीवली क्राइम ब्रांच में ऐसा कोई ऑफिसर ही नहीं है। मुंबई पुलिस ने मनसुख हिरेन की फैमिली को जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी है उसमें डूब कर मरने की बात लिखी हुई है, लेकिन जिस जगह से मनसुख की बॉडी मिली है वहां क्रीक में छलांग लगाने जैसी कोई जगह ही नहीं है और तो और पानी का फ्लो भी उल्टी दिशा में है, यानी कहीं और से बॉडी बहकर आने के चांसेस जीरो के बराबर है। मुंबई एटीएस की एक टीम जो है मनसुख की डेड बॉडी जहां मुम्ब्रा रेती बंदर क्रीक पर मिली थी वहां घटनास्थल का मुआयना करने पहुंची थी शनिवार की सुबह, ठीक उसी जगह पर हम भी मौजूद हैं। दरअसल एटीएस की टीम ये समझना चाहती थी कि आखिर यहां पर मनसुख हिरण की डेड बॉडी पहुंची कैसे, क्या यहां पर किसी साजिश का शिकार हुए मनसुख की डेड बॉडी को यहां डंप किया गया है या फिर खाड़ी में बहकर आया, क्योंकि कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। मुम्ब्रा क्रीक के पास लोकल पुलिस एक अजीब तरह की ड्यूटी कर रही है। पिछले 24 घंटे से पुलिस वाले हर घंटे यहां आते हैं और डायरी में पानी का फ्लो नोट करते हैं। मकसद ये पता करना है कि मनसुख की बॉडी को यहां डंप किया गया या वो कहीं और से बहकर आई। मुम्ब्रा पुलिस की टीम मनसुख मामले में हर एक एंगल को तलाश रही है। मुम्ब्रा पुलिस की एक टीम आई थी, दरअसल हर एक घंटे आकर पुलिस की टीम ये जानने की कोशिश करती है कि पानी का बहाव किस दिशा में। अभी भी देखिए पुलिस कर्मचारी जो आए थे वो यहाँ पर ये पता कर रहे हैं कि जो पानी का बहाव है वो किस दिशा में जाता है, और इसके पीछे तर्क ये है कि अगर पानी का बहाव जिस दिशा में जाता है उसी हिसाब से बॉडी यहाँ पर आई है या फिर बॉडी डंप की गई है, उसको जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। मनसुख की मौत मिस्ट्री में सिर्फ रुमाल, मोबाइल लोकेशन और पानी के फ्लो से ही संदेह नहीं बढ़ रहा, शक बढ़ाने वाली कुछ और चीजें भी हैं। मनसुख हिरेन स्विमिंग का चैंपियन था, जरा सोच कर देखिए कि जो आदमी तैरना जानता था वो डूब कर मर गया, जिसका ऑटो पार्ट्स का बिजनेस था और जिसकी कई गाड़ियां थी वो रात के 8:30 बजे ऑटो रिक्शा करके घर से निकला था। सवाल है क्यों? मनसुख के परिवार ने मनसुख की डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया था और वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि मनसुख का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सही तरीके से नहीं किया गया है, कुछ और उन्होंने टेस्ट कराने की मांग की थी। उसके बाद में डीसीपी और एसीपी रैंक के अधिकारी लगातार मनसुख के परिवार के लोगों से मिल रहे थे, उन्हें कन्विंस कर रहे थे, समझा रहे थे, लेकिन मनसुख के जो पारिवारिक डॉक्टर हैं उन्होंने उस पीएम रिपोर्ट को देखा और उसके बाद में कुछ और प्रकार के टेस्ट उन्होंने सजेस्ट किए थे। जब पुलिस अधिकारियों की मनसुख के परिवार के साथ में मुलाकात हो रही थी और इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ये कलवा के शिवाजी छत्रपति हॉस्पिटल के जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स की टीम है वो वहाँ पर अंदर मौजूद है। इसके अलावा डीसीपी अविनाश अंबुरे और एसीपी पाड़वी वहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा मनसुख के परिवार के लोग भी अंदर मौजूद हैं और मनसुख की जो डेड बॉडी है वहाँ पर मॉर्चुरी में पड़ी हुई है, उससे कुछ सैंपल कलेक्ट करने के लिए फॉरेंसिक टीम अंदर गई हुई है। अंबानी फैमिली को बम वाली धमकी की जांच महाराष्ट्र सरकार कभी क्राइम ब्रांच को सौंपती है तो कभी एटीएस से कराने का ऑर्डर निकाल देती है। मनसुख की मौत मिस्ट्री के बाद एनआईए से जांच कराने का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। एक केस अब एनआईए को जा सकता है, ऐसा मुंबई पुलिस के टॉप सोर्सेस बता रहे हैं, उन्हें इसकी जानकारी दी गई है। हालांकि अभी तक आधिकारिक नहीं है, अब तक आधिकारिक एटीएस के हाथ में ये केस है, एटीएस को अभी भी केस पेपर्स नहीं दिए गए हैं। ठाणे पुलिस ने कल जरूर मनसुख हिरण के मामले में एडीआर रजिस्टर किया था, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट रजिस्टर किया था, लेकिन उनके हाथ में बहुत कुछ नहीं लगा। यही वजह है कि अब मामला एनआईए को जाने की सुगबुगाहट बढ़ रही है। मनसुख मिस्ट्री केस में एक और चेहरा बहुत अहम है, ये है क्राइम ब्रांच के ऑफिसर सचिन वाजे, जिनके रोल ने पूरी मुंबई पुलिस पर बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। सचिन वाजे ने मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के साथ 3 घंटे लंबी मीटिंग की। मुंबई के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहे जाने वाले सचिन वाजे महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार के चहेते ऑफिसर हैं।
कमिश्नर ऑफिस से हाई प्रोफाइल केस की जांच सचिन वाजे को सौंपी जाती है। अंबानी हाउस टेरर थ्रेट की जांच फाइल भी सचिन वाजे को सौंपी गई। सचिन वाजे मनसुख हिरेन को पिछले एक साल से जानते थे, लेकिन क्राइम ब्रांच के ऑफिसर ने ये बात रिकॉर्ड पर नहीं रखा। क्राइम ब्रांच अफसर सचिन वाजे ने मनसुख हिरेन के साथ अपने पर्सनल रिलेशन की जानकारी शायद मुंबई पुलिस कमिश्नर को भी नहीं दी थी। उन्होंने मनसुख को गवाह बनाए रखा, लेकिन शायद मनसुख इस मामले में आरोपी भी हो सकते थे। वहीं मुंबई पुलिस ने मनसुख हिरेन को सिक्योरिटी नहीं दी। अंबानी परिवार थ्रेट हाई प्रोफाइल मामला था, ऐसे में मनसुख की जान को खतरा हो सकता है, ये समझना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मनसुख इस पूरे मामले के इकलौते गवाह थे। अब मनसुख की मौत के बाद ये पूरा मामला डेड एंड की तरफ बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में सचिन वाजे को कई सवालों के जवाब देने होंगे। अंबानी फैमिली टेरर थ्रेट केस मुंबई पुलिस की लापरवाही से पेचीदगियों में घिर गया है, इसलिए पुलिस कमिश्नर इस पर जवाब नहीं देते, थैंक यू कहकर निकल लेते हैं। मुंबई पुलिस ने मनसुख की मौत मिस्ट्री को निपटाने में इतनी हड़बड़ी दिखाई कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही उसने सुसाइड बता दिया, जबकि मनसुख का परिवार बार बार कहता रहा कि मनसुख सुसाइड कर ही नहीं सकता। खुद मनसुख हिरेन ने भी महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें पुलिस के रोल पर उंगली उठाई थी। मनसुख ने लिखा था, 25 फरवरी से 1 मार्च के बीच मुझसे कई बार पूछताछ की गई, बार बार थाने बुलाया गया, बार बार एक ही सवाल पूछा गया। इस तरह की जांच ने मुझे मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर दिया। पीड़ित होने के बावजूद मेरे साथ आरोपी जैसा बर्ताव किया गया। दोषियों के बारे में जानकारी ना होने के बाद भी प्रताड़ित किया गया। मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया कि हमारी गाड़ी कैसे चोरी हुई। उसके बाद भी मुझे और मेरे परिवार का मानसिक शोषण किया गया। मेरी गुजारिश है कि अब आप इस मामले में दखल दें, मेरे परिवार को सुरक्षा मुहैया कराएं और ये सिलसिला बंद हो। मनसुख हिरेन की मिस्ट्री अंबानी फैमिली टेरर थ्रेट केस से कनेक्टेड है। एंटीलिया के पास बम रखने की जांच कहां तक पहुंची है, इसकी डिटेल हमारे संवाददाता राजेश कुमार ने जुटाई है। 800 से ज्यादा सीसीटीवी खंगालने का दावा मुंबई पुलिस कर रही है। मुंबई पुलिस का कहना है कि वो उस इनोवा गाड़ी जो कि उस स्कॉर्पियो गाड़ी के पीछे थी, उसके बारे में पता लगा रही थी। वो गाड़ी आखिरी बार मुलुन टोल नाके पर दिखी और उसके बाद उस गाड़ी का कोई अता पता नहीं चला। मुंबई पुलिस की कई टीमें उस इलाके में कई सारे गांवों में कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही थी, ताकि उस शख्स का पता लगाया जा सके जो यहां तक यानी कि एंटीलिया तक इनोवा गाड़ी लेकर आया था, ताकि उससे उस शख्स तक पहुंचा जा सके दो जिलेटिन की छड़ से लदी हुई स्कॉर्पियो गाड़ी अंबानी परिवार के घर के पास पार्क करके चला गया, साथ में एक धमकी भरा खत भी लिख कर गया है। लेकिन क्राइम ब्रांच के हाथ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगा। मुम्ब्रा क्रीक से मनसुख की बॉडी तो मिली, लेकिन उनका मोबाइल नहीं मिला। नौपाड़ा से घोड़बंदर के लिए मनसुख की लास्ट कॉल लोकेशन विरार क्यों रिकॉर्ड हुई, ये भी एक मिस्ट्री है। मनसुख के परिवार ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन मामला हाई प्रोफाइल है, इसलिए विसरा ट्रस्ट के लिए सैंपल सुरक्षित रखा गया है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।